क्रिस में मेरे प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु की। आज हम पेंतकोस्त का दिवस मना रहे हैं। पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतरने के साथ ही कलीसिया का जन्म होता है। पेंतकोस्त के दिन यहूदी लोग सभी दिशाओं से यरूशलेम में कटनी का पर्व मनाने आते थे। इस तरह पूरे शहर में भीड़ होती थी। यीशु तब तक अपने शिष्यों को यरूशलेम में ही ठहरने को कहा। पेंतकोस्त के दिन ईश्वर ने अपने शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा को भेजा। उसको ग्रहण करने के तुरंत बाद शिष्य लोगों को भिन्न भिन्न भाषाओं में सुसमाचार सुनने लगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करने के कारण उनमें किसी भी प्रकार का डर या भय नहीं था। क्या हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर कार्य करने देते हैं? प्यारे मित्रों, कलीसिया की आधिकारिक शुरुआत पेंतकोस्त से होती है। पेंतकोस्त अर्थात 50 या 50वां दिन। यीशु अपने शिष्यों को अनाथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनकी देखभाल करने के लिए सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेजेंगे। इसलिए वो अपने भयभीत शिष्यों को आश्वासन देते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पुनरुत्थान के बाद उन्होंने यह प्रमाणित किया कि वह शारीरिक रूप से हमारे बीच उपस्थित नहीं है, पर वह पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे बीच विभिन्न रूपों में उपस्थित है। वो किसी विशेष व्यक्ति, जाति एवं धर्म के नहीं, बल्कि सारे विश्व मंडल के प्रभु हैं। ईश्वर ने अपने शिष्यों को अलग अलग रूपों में दिव्य दर्शन दिया। पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में प्रेरितों पर उतरा और उन्हें विभिन्न वरदानों से भर दिया। जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है, तब उनमें विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं। आइए हम भी इस पवित्र आत्मा की वरदानों के लिए प्रार्थना करें। सबको जय यीशु। हैप्पी पेंतेकोस्ट। आमेन।